जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विमर्श लर्निंग सेंटर पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लासेस चल रही हैं, आपकी स्टैटिक जीके की हम सीरीज करा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जितने भी एग्जाम हैं जो कि हाल ही में आने वाले हैं, वो एग्जाम्स आपके किससे रिलेटेड होते हैं, वो एग्जाम्स आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पैट, ATC जो भी एग्जाम होते हैं, वो किसी आपके किसी पेपर से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। लगातार पेपर आपके पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं पेपर्स के अंदर, तो आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम कई टॉपिक कवर करा चुके हैं जिन्हें आप देख लेना, हमारी हमने प्लेलिस्ट बना दी है हमारे यहाँ सेक्शन में जाके, आप लोग विमर्श लर्निंग सेंटर के सेक्शन में जाके चेक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और ये वीडियो भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट एनिमल साइंटिस्ट नेम। तो देखो ये क्या होता है, वैज्ञानिक नाम जो महत्वपूर्ण आपके कौन है, महत्वपूर्ण जो आपकी जरूरी चीजें हैं, तो उनके वैज्ञानिक नाम कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके क्या हो गए, एग्जाम से रिलेटेड लगातार आपके पेपरों में आते रहते हैं, तो वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कौन कौन से हैं जो लगातार पिछले एक दो साल में क्या हुआ है, उनका लगातार फ्रीक्वेंसी बनी रही है, लगातार पेपर में आते हैं, तो उनको हम पूछ, ये हमारे क्या है क्वेश्चन है, तो उनको हम देखेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला, जैसे अब इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा ये पद्धति है उसको क्या बोला जाता है, तो जो हमारे साइंटिफिक नेम है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, क्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या फिर उसको द्विपद नामकरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, द्विपद नामकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये काफी ज्यादा आपके पेपरों में पूछा जाता है, लगातार आपके पेपर में है। गुड इवनिंग नगीना जी, गुड इवनिंग, चलिए चलते हैं। तो ये कौन सा है आपका, द्विपद नामकरण के नाम से जाना जाता है, ये नामकरण काफी ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है, ये नामकरण किया किसने था ये भी पूछा जाता है पेपर में, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो एक तो एक चीज क्या होती है, टू पार्ट नेम, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, ये दो हिस्सों में बटे होते हैं, उसके बारे में हम पूरा समझाएंगे अभी। तो ये होता क्या है, ये क्या, दिस सिस्टम इज फाउंडेड बाय द कार्ल लीनियस या फिर कैरोलस लीनियस, एक साइंटिस्ट थे, वनस्पति विज्ञानवादी थे कैरोलस लीनियस, तो उन्होंने इसको क्या किया था, स्थापित किया था। दिस सिस्टम इज फाउंडेड बाय द कार्ल लीनियस इन 1753 एंड इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम टू द वर्ल्ड बाय हिज वर्क स्पीशीज प्लांटेरम। तो अपना जो काम इन्होंने किया था 1753 में, एक काम किया था जिन्होंने क्या किया था, स्पीशीज प्लांटेरम एक पूरी बुक लिखी, उसमें इन्होंने क्या किसका वर्णन दिया था, इस चीज के बारे में बताया था, एक एक चीज पूछी गई थी जो कि इसमें बताया गया था, इस प्रणाली को दुनिया के सामने रखा था। तो ये जो सिस्टम है आपका, द्विनाम पद्धति भी बोलते हैं इस सिस्टम को, किस नाम से जाना जाता है आपका, द्विनाम पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। किस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, द्विनाम। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखोगे, किस नाम से, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, मैं इसको द्विनाम पद्धति के नाम से या द्विपद नामकरण के नाम से जाना जाता है। तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो आपके दो तरह से होते हैं, दो नाम उसमें ऐड होते हैं, तो उस चीज को समझ लीजिए कौन है। अब देखो साइंटिफिक नेम है, मान लो ये क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस, तो ये किसका आपका साइंटिफिक नेम है, ये आपका पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है। अब इसको समझिए बनाया कैसे गया था, तो एक देखो पहला जो होता है ये पैंथेरा है, ये क्या है, पैंथेरा, और दूसरा कौन सा है, टिग्रिस। तो एक को क्या बोलते हैं, जीन, जीन का हिंदी में मतलब क्या होता है, जीन का हिंदी में मतलब होता है आपका जाति, क्या है, जीन का हिंदी में मतलब क्या होता है, जाति, इसका मतलब होता है उसमें कौन से जीन पाए गए हैं, उसमें जीन कौन कौन से हैं जो कि आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो वो जीन के बारे में पूछा जाता है, तो जीन कौन कौन से हैं, तो आप लोग ध्यान रखोगे। तो जब जीन डिसाइड होते हैं, क्लियर है, जब उसके जीन डिसाइड हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर उसकी स्पीशीज चेक की जाती है, वो उसकी प्रजाति क्या है, तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रजाति, क्लियर है, तो उसकी प्रजाति, तो प्रजाति कौन सी, जब उसका जीन डिसाइड कर लिया जाता है, जेनस यानी कि जाति डिसाइड कर ली जाती है, उसमें कौन से जीन्स हैं और उनको कहाँ ऐड करना है, तो वो क्या है आपकी प्रजाति, तो उसको कहाँ ऐड कर दिया जाता है, जीन्स को ऐड करके, कहाँ, जब दो चीज होती है उसके जीन्स चेक कर लिए, तो फिर उसको रखना किस सिस्टम में, तो रखा किस सिस्टम में जाता है, जिस सिस्टम में रखा जाता है वो उसकी प्रजाति है। जैसे हमारी प्रजाति क्या है,
हमारी जाति क्या है, ये साइंटिफिक नेम डिफरेंट तरीके से डिसाइड होते हैं। और ये सब नाम इस तरीके से क्यों आते हैं, ये सब कौन से होते हैं, भाषा, ये कई बार पेपरों में पूछी जाती है इनकी भाषा कौन सी है, इनकी भाषा है आपकी लैटिन अमेरिकन, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज, भाषा कौन सी है आपकी, भाषा लैटिन, तो ये भी ध्यान रखना है, लैटिन हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, क्लियर है, लैटिन अमेरिकी भाषा लैटिन लैंग्वेज, तो ये आपके पेपरों में बनी रहती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, भाषा कौन सी है आपकी लैटिन है, पद्धति का नाम क्या है, द्विनाम पद्धति या द्विपद नामकरण या फिर बायनोमल नोमोकल्चर, और कौन सा है आपका, ये हो गया साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारे चीज हो गए। सिस्टम 1753 किसने दिया था, कार्ल लिनियस या फिर कैरोलस लिनियस ने ये सिस्टम दिया था, तो पूरा आपके एग्जाम में ये काफी जरूरी हो जाता है। तो चलते हैं हम आगे, तो जब दो नाम जुड़ते हैं तब ये पूरा नाम बनता है, तब उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, तो वैज्ञानिक नाम बोला जाता है उसको, तो आप लोग ध्यान रखोगे। तो चलिए चलते हैं, महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक नाम है तो वो कौन कौन से हैं, किस किस फील्ड से रिलेटेड है, कौन कौन से हैं, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। पहला देखो ये सीरियल नंबर है, इधर क्या है, एनिमल एंड बर्ड, जो लगातार आपके पेपरों में आते रहते हैं एनिमल और बर्ड, एनिमल्स हैं जो बर्ड्स हैं जो आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, वो साइंटिफिक नेम कौन से हैं, सारी चीजें इंग्लिश हमने दोनों में कर रखा है, तो अरेबियन कैमल और या फिर अरेबियन ऊंट, अरेबियन ऊंट को किस नाम से जाना जाता है, ये कैमेलस ड्रोमेडरीस, ठीक है, कैमेलस ड्रोमेडरीस के नाम से जाना जाता है, ये काफी पेपरों में ये फ्रीक्वेंटली आज किया गया है, इसलिए ये मैंने यहाँ पूछा लगाया है, ठीक है। तो ये क्या है, कैमेलस ड्रोमेडरीस के नाम से जाना जाता है, किसको, इस चीज को, ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये क्या है आपका, दूसरा है बिजोन, बिजोन के बारे में क्या होता है, बिजोन का क्या नाम है, देखो बिजोन B4B, कैमल फॉर कैमेलस, ड्रोमेट्रियस, ड्रोमेट्रियस क्या होता है भैया, ड्रम क्या होता है, खाली होता है, ऊंट क्या होता है, कहाँ रहता है, रेगिस्तान में एकदम खाली खाली होता है ना, पीने को पानी नहीं होता है, ड्रम इसका खाली होता है, तो ड्राई होता है ना इसका ड्रम, ड्रोमेट्री, तो ड्रम इसका क्या होता है, पेट इसका खाली रहता है, तो आराम से पानी पीता है। और ये क्या है, बॉस्फोरस, ठीक है, बॉस्फोरस के नाम से किसको जाना जाता है, ये बिजोन, बिजोन जो है तो उसको किसके नाम से जाना जाता है, बॉस्फोरस, क्लियर है, ब्लैक बक, काले हिरन या काले हिरन को किसके नाम से जाना जाता है, ये आपको काफी ध्यान रखना है, एंटीलोप कैर्बी केप्रा, ठीक है, ठीक है, कैर्बी केप्रा, तो मृग ग्रीवापा के नाम से इन्होंने याद दे रखा है, तो हिंदी में इसका मृग ग्रीवापा हो जाता है। तो इंग्लिश वाले आपको खास करके ध्यान रखने हैं, कारण क्या होता है, इंग्लिश वाले आपके पेपर में आते हैं, तो आपको इंग्लिश वाला नहीं छोड़ना है, हिंदी में भी आप देख सकते हो बहुत सारे नाम तो सीधे सीधे हिंदी इंग्लिश में एक है, उच्चारण लिख दिया गया है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, तो ये क्या है आपका, सब सेम है, तो आपको ध्यान रखना है, ब्लैक रैट यानी कि काला चूहा, ब्लैक रैट क्या है आपका, काला चूहा, जो आपका काला चूहा होता है उसका नाम क्या होता है, रैटस रैटस, रैटिस रैटिस के नाम से किसको जाना जाता है, ये चूहा को जाना जाता है, क्लियर है, रैटिस रैटिस के नाम से किसको जाना जाता है, चूहे को, क्लियर है। आगे ध्यान रखते, आगे क्या, बफेलो यानी कि भैंस, भैंस को किस नाम से जाना जाता है, भैंस को जाना जाता है बाबलुस बबलिस, ठीक है, तो ये बाबलस या फिर बबलस बबलिस के नाम से किसको जाना जाता है, बफेलो को, तो बफेलो को किससे ध्यान रखेंगे, बिफोर बी, क्लियर है, बिफोर बी, ब्लैक रेड, रेड का क्या है, रेड का चूहा चूहा, रेटिस रेटिस ये क्या हो जाता है, चूहे का, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। बुलबुल को किस नाम से जाना जाता है, ये देखो काफी ज्यादा जरूरी है, एक पेपर में आया भी है कई बार, तो ये होता है मोलपेस्ट कैफर, तो ठीक है, क्या है, मोलपेस्ट कैफर के नाम से किसको जाना जाता है, वो इसको जाना जाता है, तो ध्यान रखोगे मोलपेस्ट कैफर के नाम से किसको जाना जाता है, आपको बुलबुल को जाना जाता है, क्लियर है। अगला क्या होता है, अगला है बिल्ली, कैट, जो घरेलू बिल्ली होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये कई बार पूछा गया है, तो घरेलू बिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, तो ये चीज ध्यान रखें, घरेलू बिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है फेलिस डोमेस्टिकस, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिकस के नाम से किसको जाना जाता है, भैया बिल्ली को। बिल्ली कहाँ रहती है, घरेलू में, घर में रहती है ना, डोमेस्टिक एरिया में रहती है, तो किसके नाम से, इसको फेलिस डोमेस्टिकस, बिल्ली कहाँ रहती है, घर में रहती है भैया, घरेलू एरिया में रहेगी तभी तो वो डोमेस्टिक कहलाएगी, क्लियर, तो इसे कैसे ध्यान रख सकते हैं,
घर में क्या रहती है, वो फैलाती रहती है ना, कभी दूध फैला दिया, कभी कुछ फैला दिया, तो वो क्या है आपका फैलिस डोमेस्टिकस हो जाता है। तो वो लगातार कुछ कभी कुछ फैला देती है, कभी कुछ फैला देती है, ये क्या होता है आपका फैलिस डोमेस्टिकस। बिल्ली ने क्या कुछ ना कुछ फैला दिया कहाँ, घर में, तो फैलिस डोमेस्टिकस के नाम से किसको जानते हैं, बिल्ली को। चीता, ठीक है, चीते को किस नाम से जाना जाता है, जो हमारा चीता होता है, चीता को जाना जाता है आपका एसिनोनिक्स जुबेटस। ठीक है, एसिनोनिक्स जुबेटस के नाम से किसको जाना जाता है, एसिनोनिक्स जुबेटस के नाम से जाना जाता है आपका किसको, ये है आपका चीता। चीता को जाना जाता है एसिनो एसिनो जुबेटस के नाम से किसको जाना जाता है, ये वही जाना जाता है आपका चीता को। कह रहे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे, एसिनो जुबेटस के नाम से किसको जाना जाता है, ये चीते को जाना जाता है, ये काफी आपके पेपरों में आता रहता है। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, चिंकारा। चिंकारा कौन सा ध्यान रख सकती हो, जो सलमान खान पे केस चल रहा है, जोधपुर केस, तो वो क्या है आपका चिंकारा से संबंधित है। ये क्या होता है, गैजिल्ला बेनेट्टी। ठीक है, अब चिंकारा क्या है, गैजिल्ला बेनेट्टी। सलमान खान ने इसको मार दिया, तो ये गजब तो गा नहीं सकता था सलमान खान, गजब तो गाया नहीं, सीधा कहाँ भेज दिया, जेल में भेज दिया। तो जोधपुर से कहाँ भेज दिया, चिंकारा कहाँ मरा था, जोधपुर, जोधपुर में मरा था, तो क्या हो गया गैजिल्ला। ठीक है, जो कहाँ मरा, जोधपुर में, तो गैजिल्ला जोधपुर, गैजिल्ला बेनेट्टी। गैजिल्ला बेनेट्टी के नाम से किसको जाना जाता है, चिंकारा, चिंकारा को मारा था ना, इनका टाइप होता है ये। ठीक है, यहाँ आप ध्यान रखोगे इस चीज को। अगला क्या होता है, ये होता है आपका कॉमन मैना, जो सामान्य मैना होती है आपकी, नॉर्मल जो मैना आपके जो देखा है आपने, तो उसको किस नाम से जाना था, तो ये चीज पूछी जाती है। ये होता है एक्रिडोरस, ठीक है, एक्रिडोरस इट्रिस, एक्रिडोरस टिस्टिस, एक्रिडोरस टिस्टिस के नाम से किसको जाना जाता है, एक्रिडोरस टिस्टिस के नाम से जाना जाता है भैया कॉमन मैना, यानी कि सामान्य मैना को, एक्री डोरे डोथेरेस टिस्ट, टिस्टिस के नाम से किसको जाना जाता है भाई, ये सामान्य मैना को जाना जाता है। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज है, मैना क्या है, तोता मैना इंटरेस्टिंग चीज होती है कि नहीं, तो ये क्या है आपको लगातार ध्यान रखने है, तो मैना क्या है इंटरेस्टिंग चीज है, तो ये क्या है टिस्टिस के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, एक्री डोथेरेस टिस्टिस ध्यान रखेंगे, एक्री डोथेरेस टिस्टिस के नाम से इसको जाना जाता है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, मगरमच्छ को किसके नाम से जाना जाता है, देखो ये कई बार एग्जाम में आपके फ्रीक्वेंट, कई बार, एक नहीं कई बार आपको पूछा जा चुका है, तो ये कौन सा है आपका मगरमच्छ। अब देखो क्रोकोडाइलस, ठीक है, और ये क्या है क्लूस्ट्रिस, तो क्रोकोडाइलस क्लूस्ट्रिस के नाम से किसको जाना जाता है, ये भैया जाना जाता है किसको, मगरमच्छ को। तो ध्यान रखोगे क्रोकोडाइलस क्लूस्ट्रिस, ठीक है, क्लूस्ट्रिस के नाम से किसको जाना जाता है, ये मगरमच्छ को जाना जाता है। धामन और रेड स्नेक, तो धामन जैसे बोलते हैं या फिर चूहा सांप जैसे बोला जाता है घरेलू में, हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक एरियाज के अंदर ये मिलते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है पैथियास म्यूकोसा। ठीक है, पैथियास या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पित्तस म्यूकोसा। ठीक है, पैथियास म्यूकोसा या पित्तस म्यूकोसा के नाम से किसको जाना जाता है, जो धामन होती है, ठीक है, उसको जाना जाता है। तो ध्यान रखोगे पित्तस म्यूकोसा मतलब धामन, पित्तस म्यूकोसा मतलब धामन, दो तीन बार याद करेंगे तब ये याद हो जाएगा। डॉग कुत्ता, तो देखो कुत्ते को किसके नाम से जाना जाता है, अब देखो काफी बड़ा नाम है, कैनिस लुपस हेमरेरिस, ठीक है, हेमिलेरिस, ठीक है, हेमिलेरिस, तो ये क्या होता है कैनिस लुपस हेमरेरिस। तो ये चीज से आप क्या याद रख सकते हो, कुत्ते को, कुत्ता देखो क्या घरेलू है, मनुष्य का सबसे ट्रस्टेड जानवर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाले जाना जानवर, शुरुआत से ही चूहे को कुत्ते को क्या है हम लोग पालते आए हैं और ये अपने लगातार यूज किया है अपने घरेलू, इसको कहते हैं कैनिस ल्यूपस हेमिलेरिस। इसको याद रख सकते हैं किसको, कुत्ते को, फैमिली में पाला जाता है ना इस तरीके से। बिल्ली क्या है फैलाती रहती है, तो फैरिस के नाम से फैरिस। ठीक है, अब ये क्या है एलिफेंट, हाथी को किस नाम से जाना जाता है, एलिफेहास मैक्सिमस। ठीक है, तो एलिफेहास मैक्सिमस के नाम से किसको जाना जाता है भैया, ये जाना जाता है हाथी को। हाथी क्या होता है मैक्सिमम बड़ा बड़ा होता है ना, तो
क्या होता है, मैक्सिमम काफी बड़ा बड़ा होता है, हाथी छोटा कब देखा, चूहे बराबर हाथी देखा, किसी ने नहीं देखा। एलिफेस क्या होता है, मैक्सिमस। एलिफेस मैक्सिमस क्या होता है भैया, हाथी होता, काफी बड़ा होता है, तो ये फैला फैला होता है, तो क्या है मैक्सिमस, हाथी बड़ा होगा तो मैक्सिमम क्या होता है, हाथी। तो आपको एलिफेस तो याद ही रखना है, आपको एलिफेस हाथी का मतलब एलिफेंट मतलब एलिफेस। लोमड़ी ये भैया चालाक होती है, ध्यान रखना। ये क्या होते हैं, बुलपीस बुलपेस, ठीक है, बुलपेस बुलपेस के नाम से। अब देखो ये लोमड़ी बहुत चालाक होती है, यानी क्लेवर, अंग्री वैली। तो ये क्या होते हैं, कहानी सुनिए ना, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या कर दिया, अंगूर खट्टे है, दैट्स द पॉइंट ऑफ सेटिस्फिकेशन, ना ना संतुष्टि मिलनी चाहिए। कहते भी ऐसे अगर याद ना हो तो क्या यार आते ही नहीं है पेपर में, ऐसा भी तो कह सकती हो, याद नहीं हो रहे तो कह दो आते ही नहीं है पेपर में, तो याद करने का क्या मतलब है। तो ये चीज नहीं, सेटिस्फिकेशन का नहीं कि अपने आप में संतुष्ट ले, कुछ नया करने की कोशिश करो। ये क्या होता है उसका, बुलपेस 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 कैसे होता है, तो ये भैया भूल तो होती नहीं है, भूल तो होती नहीं है लोमड़ी, लेकिन भूल से ज्यादा ताकत रखती है कहाँ, दिमाग के अंदर। तो ध्यान रखोगे लोमड़ी की चालाकी बहुत मजबूत, बुलपेस के नाम से इसको ध्यान रख सकती हो। तो गैब्रियल, गैब्रियल के नाम से किसको जाना जाता है, गैब्रियल क्या है, तो ये क्या गैब्रियल गैंगेटिक्स, ठीक है, गैंगेटिकस, गैब्रियस गैंगेटिक्स। तो ये क्या होता है, गैब्रियल है तो भैया गैब्रियल, गैब्रियल्स होगा और गैंगेटिक्स, सीधा सीधा नाम, जैसे एलिफेंट का एलिफेंट बड़ा एकदम मैक्सिमम हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या रख सकते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ये पॉइंट आपका क्या है, काफी ज्यादा जरूरी। आगे बात करते हैं, ये क्या होता है, जिराफ। जिराफ का क्या होता है, जिराफा कैमेलो पार्डलिस, ठीक है, कौन सा था यहाँ, जिराफा कैमेलो पार्डलिस। अब देखो जिराफ का जिराफा हो गया, यहाँ से जिराफ क्या हो गया, जिराफा हो गया। तो अब आप एक चीज जानते होंगे, कुछ कुछ ऊंट की तरह से दिखता है ना, बड़ा बड़ा एकदम, तो क्या हो गया ये कैमेल, ठीक है, जिराफ ऊंट की तरह दिखता है तो क्या नाम आ गया इसका, कैमेल आ गया, तो कैमेल पार्डलिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक एक चीज को ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, जिराफ कैमेलो पार्डलिस। जिराफ किसकी तरह होता है, किसकी तरह दिखता है भाई, जिराफ दिखता है आपका किसकी तरह, जिराफ दिखता है साहब किसकी तरह, ऊंट की तरह, बड़ा बड़ा। तो इस तरीके से आपको क्या है, माइंड मैपिंग, माइंड से सोचना है, एकदम रिवाइज करना है, भाई जिराफ कैसा था, सबने बताया था जिराफ कैसा था, ऊंट की तरह था, बस जिराफ तो आगे से ही है, दूसरे नाम में जिराफ किसकी तरह था, ऊंट की तरह था, कैमल मिलेगा फट से आंसर बाहर, क्लियर है। जब क्वेश्चन कराएंगे तब देखना है, इसको याद रखो, ग्रेट हॉर्नड ऑल, तो बड़े सींग वाला उल्लू होते नहीं है भाई इसके सींग, नाम है बस, ग्रेट हॉर्नड ऑल नाम है, होते नहीं है इसके सींग, गैरोल सर ने सींग बता दिया, उल्लू के हमने सींग ही नहीं, ठीक है, तभी तो होते हैं। ये क्या वीवो, ठीक है, ये होता वर्जीनियस, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखनी है। तो ग्रेट हॉर्नड ऑल होता है, बड़ा जो उल्लू होता है, इसके सींग नहीं होते, पहली चीज ये कंफर्म कर लेना, इसके सींग नहीं होते, नाम है बस, ठीक है। तो ये उल्लू है, तो उल्लू को किस तरीके से हम कर सकते हैं, उल्लू को किस तरीके से, वीवो भाई, उल्लू वीवो, उल्लू वीवो, उल्लू को क्या है दिन में नहीं दिखा, बेप्पू पे जब दिन में नहीं दिखता है बोलते, तो बेप्पू को दिन में नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो क्या उल्लू हो रहे हो, दिखता नहीं है तो क्या बेप्पू को, तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। अब वर्जीनियस मतलब आप लोग जानते ही हो, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। हिप्पोपोटेमस, हिप्पोपोटेमस क्या होता है, दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटेमस होता है दरियाई घोड़ा। तो आपको देखो दरियाई घोड़े को दरियाई घोड़े की तरह से याद रखो, ज्यादा इधर उधर नहीं आ रहा, उसको कहते हैं दरियाई घोड़े के, ध्यान रखना है। ये क्या होता है, हिप्पोपोटेमस, ठीक है, यहाँ तक यही है एम्फीबियन। एक जो वेचर होते हैं, क्या होते हैं आपके एम्फीबियन, क्या होते हैं आप लोग ध्यान रखोगे, एम्फीबियन क्या होते हैं, ठीक है, एम्फीबियन जो होते हैं पानी और जमीन दोनों पर रह लेते हैं, तो ये वही है हिप्पोपोटेमस एम्फीबियन, दरियाई घोड़ा तो होता है, ये लगभग लगभग गेंडे की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, तो ये भी काफी बड़ा बड़ा होता है, इसको ध्यान रखोगे, एम्फीबियन हिप्पोपोटेमस दरियाई घोड़ा, कहाँ रहता है भैया, सब जगह रहता है, मस्त मजे में। अब हॉर्स, घोड़े की बात करेंगे, घोड़ा क्या है,
इक्वस कैमिलस, तो ध्यान रखना ये आपके पेपर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। चार नाम बताऊंगा जिनके आपके 90% पेपर में आने के चांसेज हैं, बाकी आप मानेंगे तो बेटर है, नहीं मानेंगे तो और बेटर है। नहीं मानोगे तो सबसे ज्यादा बेटर तो यही है, बिल्कुल मत मानो, लेकिन मानने की बात है। देखो एक ये ध्यान रखना इसके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि ये करंट अफेयर में काफी दिनों से बना हुआ है। ठीक है, इक्वस कैमिलस, तो ये यहाँ हो गया। ठीक है, तो इक्वस कैमिलस भैया घोड़ा क्या होता है, इक्वल, आराम से पहुंचा देता है आगे। ठीक है, इक्वस कैमिलस, क्लियर। तो इक्वस कैमिलस के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्या है, घोड़ा। तो इक्वल होता है, कैपेलस मतलब कैपेबिलिटी होती है, एक ही होता है, 1 HP। आज तक किसी भी चीज की नापी गई है हॉर्स पावर में, सिर्फ एक ही चीज की नापी जाती है हॉर्स पावर में, वो कौन है, घोड़ा। क्लियर है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ये चीज कौवा, क्रो, क्रो को किस नाम से जाना जाता है, ये क्रोवस स्प्लेंडेरस। ठीक है, स्प्लेंडेंस, ठीक है, स्प्लेंडेंस के नाम से किसको, क्रोवस स्प्लेंडेंस। अब भैया कौवा क्या होता है, स्प्लेंडर का मतलब जानते हैं, स्प्लेंडर जो बाइक होती है आपकी आपकी, ठीक है, स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर क्या होता है, स्प्लेंडर का मतलब होता है भव्य। ये इसके नाम के आगे बिल्कुल सही नहीं लगता, कौवा क्या भव्य नहीं भद्दा होता। ठीक है, कौवा क्या भव्य नहीं भद्दा होता है, तो इस तरीके से हम ध्यान रखें, कौवा भव्य नहीं भद्दा हो सकता है, स्प्लेंडर। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, तो एक एक चीज को आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे, बाकी नहीं रखोगे तो आपके लिए सबसे बेटर है। ठीक है, माउस क्या है, मस्कल्स। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, मस्कुलस। ठीक है, मस्कुलस क्या होता है भैया, चूहे के क्या होते हैं, मसल। ऐसे ध्यान रख सकते हो ना, चूहा दिखाता है टॉम एंड जेरी वाला चूहा, तो उड़ा देंगे तुमको। ये क्या है, टॉम एंड जेरी वाला चूहा है, ध्यान रखना है इसको, क्या होता है, एकदम मसल है, बड़े खतरनाक खतरनाक मतलब है। ये क्या होता है, स्पैरो, स्पैरो यानी कि जो गौरैया होती है, दो इसमें आ चुकी है इसी स्लाइड में, आपकी जो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, बाकी आपको एक एक चीज पता चलती रहेगी अगर आप जुड़े रहे तो। अब जुड़े रहिए बस। ये क्या होता है, पैसेट डोमेस्टिकस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पैसेट डोमेस्टिकस या पासर डोमेस्टिकस हिंदी से है। तो एक तो ये हो गया घोड़ा और दूसरा हो गया गौरैया। लगातार आप लोग करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और ये एग्जाम में बने हुए हैं। बाकी आप लोग मानो या मत मानो वो आप पे डिपेंड करता है। ये होता है पैसेट डोमेस्टिकस, तो ये क्या है आपका, पासर डोमेस्टिकस के नाम से गौरैया। ठीक है, ये क्या होता है, स्पैरो, ये होता है पासर, इसमें डबल आर, इसमें डबल एस, तो कर दो पास। घर में होती है, घर में क्या करते रहते हैं, एक चीज को पास करते हैं, और ये यहाँ से वहाँ पास होती रहती है ना, इस तरीके से ध्यान रखते हो। बॉल लिजार्ड, दीवार वाली छिपकली, बहुत सारे लोगों के लिए जिंदगी में क्या होती है, बड़ा खतरनाक चीज बन के उभरती है दीवार वाली छिपकली। भाई इतने डरते हैं इतनी बड़ी छिपकली से, इतना बड़ा शरीर लेके खुद डरते रहते हैं, तो करोगे क्या। तो बॉल लिजार्ड को किस तरीके से ध्यान रख सकते हो, और क्या होता है, ये ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक नाम है, आपको प्लेबिबिलिटिस दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है, हेमिडेक्टाइलिस, ये क्या होता है आपका, वॉल लिजार्ड। अब देखो क्या होता है, लिजार्ड माने क्या होता है, छिपकली, ये भैया एकदम लेजी है, कहाँ छिपकी रहती है, बार पर चिपके रहती है, ये क्या है, फैली रहती है, एकदम फैल के रहती है और सबको फैला के रखती है, तो ये क्या, इस तरीके से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है इंडियन कोबरा, तो भारतीय कोबरा या फिर भारतीय कोबरा को देखो, ये एकदम ठीक है, नाग नाजा। ठीक है, भारतीय कोबरा को नाम किस नाम से जाना जाता है, नाग नाजा। क्लियर है, इस तरीके से ध्यान रखें, नाग नाजा के नाम से किसको ध्यान रखेंगे, ये क्या है, गुड इवनिंग अमित जी, गुड इवनिंग। तो किसके नाम से ध्यान रखेंगे, नाजा, नाजा के नाम से किसको ध्यान रखेंगे, इसको नागराज भी बोलते हैं। ठीक है, नागराज, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ये क्या होते हैं, सांप से बोलते हैं ना, सांप को कभी बोलते हो आजा आजा, कहते ना ना बिल्कुल मत आ तू, ना जा तू, ना ना जा, तो इस तरीके से क्या, सांप को ध्यान रख सकते हैं।
इंडियन पैरट भारतीय तोता को कैसे ध्यान रखते हो? विशिता खुला यूपा टेरिया, ठीक है, सिट खुला यूपे टेरिया, यूपे ट्रिया, तो सिटेपला यूपिट्रिया के नाम से किसको ध्यान रख सकते हो? ये ध्यान रख सकते हो आप भारतीय तोता। भारतीय तोता आपका पेपर में पूछा जाता है, चाहे इंडियन आर्म फोर्सेस के एग्जाम हो है, किसी में हो तो एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी नॉर्मली, और जब भी आता है अगर ये आपने तैयार कर लिया ना तो ये क्या फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, बाकी नहीं तो फिर बहुत समझदार हो। तो ये क्या होता है इंडियन पाइथन, तो इंडियन पाइथन यानी भारतीय अजगर, क्या भारतीय अजगर से क्या साथ साथ कौन कौन खेलेगा? तो ये पाइथन मोल्यूरस, तो पाइथन मोल्यूरस को किसके नाम से जाना जाता है? पाइथन है, पाइथन है, और उसकी मसल है बहुत तगड़े तगड़े, तो वो क्या होगा पाइथन मोल्यूरस, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या होता है कश्मीर स्टैग, तो कश्मीरी हिरन, भैया कश्मीर है के फोर कश्मीर सी फोर क्रेवस, ठीक है, के फोर कश्मीर सी फोर क्रेवस। अब ये क्या होता है कैनाडेंसिस, ठीक है, कैनाडेंसिस और हंगलू, ये चीज ध्यान रखना है। अब ये हंगलू कहाँ होते हैं, हंगलू कहाँ पाए जाते हैं, हंगलू बबलू कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कश्मीर के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से, हंगलू कहाँ पाए जाते हैं कश्मीर के अंदर, कैनाबिडिस के फोर कश्मीर सी फोर सर्वस, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं एक एक चीज, तो एक एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। कश्मीर का हिरन किंग कोबरा नागराज, ठीक है, वो इंडियन कोबरा था या किंग कोबरा है, किंग कोबरा को नागराज हिंदी में बोलते हैं। अब देखो इसको क्या ओफियो फागस, ओफियो फागस हन्ना, ठीक है, ओफियो फैगस के नाम से किसको जाना जाता है? ओफियो फैगस हन्ना। अब भाई साहब कोबरा को देख लोगे तो क्या कहोगे, आजा, कहते ना बिल्कुल ना, हाँ ना बिल्कुल, हट जा यहाँ से, हट जा दूर जा दूर जा, इस खतरनाक होता है ना, तो इसको ओफियो फैगस हन्ना के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका कोयल, तो कोयल को किस नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। एक तो आपका हो गया ये पाइथन, पाइथन और जरूरी है आपका ये ध्यान रखना है। ये कौन सा होता है, यूडीनिमस स्कोलोपैकस, यूडीनिमस स्कोलोपैकस के नाम से किसको जाना जाता भैया, ये कोयल को नाम से जाना जाता है। कोयल हमेशा क्या होती है यूनिक, कोयल क्या होती है यूनिक, बहुत अलग आवाज होती है, तो ये बड़ा अच्छी चीज है कि ये अलग आवाज होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में भी ये जरूरी होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। लेपर्ड तेंदुआ, तेंदुओं को किस नाम से जाना जाता है, ये क्या है पैंथेरा पैरा, पैंथेरा पैडस, तो पैंथेरा पैडस के नाम से किसको जाना जाता है, ये तेंदुए को जाना जाता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे, पैंथेरा पैडस के नाम से किसको जाना जाता है, तेंदुए को जाना जाता है, ये एकदम ध्यान रखना। तो पैंथेरा पैंथर बोलते हैं, पैंथर, तो ये क्या होता है तेंदुआ, इस तरीके से। लॉयन, लॉयन को किसके नाम से जाना जाता है, पैंथेरा लियो। अभी आपकी एक मूवी आ रही है विजय, जो एक्टर है ना साउथ के लियो, तो वो इसी पे बेस्ड है, उसमें दिखाया जाता है ना पीछे से शेर खतरनाक तरीके से ब्लड लेते हुए, तो वो यहाँ से बेस्ड है, तो और कॉन्सेप्ट भी रियल में यही है कि वो किस तरीके से हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं लियो की तरीके से। अभी मूवी रिलीज नहीं हुई वो हो जाएगी, और कन्फर्म है यहाँ से क्वेश्चन बनना, क्योंकि जब बाहुबली मूवी रिलीज हुई थी, पुष्पा रिलीज हुई थी, पुष्पा के बाद सेचासलम फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पूछे गए थे, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा पेपर में आती है। तो ये क्या होती है नील गाय, तो नील गाय होती है ना, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ये होता है वेसेला फाइस, ये होता है टेग्रो कैमेडस। अब देखो ये भी क्या होती है, अगर आपको देखोगे होती तो छोटी है, जिराफ बड़ा होता है, ये छोटी होती है, जिराफ बड़ा होता है वो भी ऊँट की तरह दिखता है, ये छोटी सी है, तो इसको तो नॉर्मली ऊँट की तरह पानी की जरूरत नहीं होती, छोटा होता है तो वहां से ऊँट की तरह दिखती है। पीकॉक, तो ये ध्यान रख सकते हो वेसेला फाइस, अब देखो इसमें बफेलो वाले भी होती है वाले, और ये क्या होता है ट्रैगो कैमेलस, ये भी ध्यान रखना है ऊंट की तरह, जिराफ बड़ा ऊंट ये छोटा ऊंट, इस तरीके से। पीकॉक मोर, मोर को क्या होता है ये पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, क्रिस्टेटस के नाम, पावो क्रिस्टेटस के नाम से किसको जाना जाता है मोर को, क्लियर है। तो पीकॉक मतलब पावो, पीकॉक मतलब पावो। पिजियन, पिजियन क्या होता है ये कोलंबा लिविया,
कोलंबा लीबिया, मतलब ये कहाँ 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 चला जाता है, ये कोलंबस भी चला जाएगा, कोलंबो भी चला जाएगा और लीव करके उसको चला आएगा। क्या होता है, पत्थर को छोड़ा, लीव किया उसने, छोड़ा और वापस आ गया। इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। रैबिट, खरगोश, खरगोश देखा है तो ये क्या होता है, ऑरेक्टोलगस, ठीक है, ऑरेक्टोलगस क्यू निकुलस, ठीक है, ऑरेस्टोलगस क्यू निकुलस किसको बोला जाता है, ये खरगोश को बोला जाता है। रीसिस मंकी, रीसिस मंकी जो रीसिस बंदर होता है वो क्या होता है, मकारा मुलुट्टा, ठीक है, मुलुट्टा मकाका मुलुट्टा के नाम से किसको जाना जाता है, अब भैया बंदर को जाना जाता है, बंदर का नाम ही क्या होता है, मक्कार, बंदर होता है ना मक्कार, उधम मचाता रहता है, कभी कोई गड़बड़ कर देता है, कभी कोई गड़बड़ कर देता है, तो मकाका मुलुट्टा के नाम से किसको जाना जाता है, बंदर को। राइनोस, गैंडा, गैंडे को किस नाम से जाना जाता है, राइनोसस यूनिकॉर्न। गैंडा भी क्या होता है भैया, यूनिक होता है ना, तो गैंडा भी क्या होता है, यूनिक। तो राइनो हमेशा यूनिक होते हैं और ये बहुत कम मिलते हैं भारत में, सिर्फ एक दो जगह ही मिलते हैं, आसाम के अंदर काजीरंगा में, तो वन ऑन राइनोस के लिए फेमस है। तो ये चीज सी स्नेक, समुद्री सांप किसके लिए होता है, ये होता है हाइड्रो, हाइड्रोफिनाइल, ठीक है, समुद्री सांप को क्या बोलते हैं, हाइड्रो। अब समुद्र में रह रहा है, पानी में रह रहा है, पानी को क्या बोलते हैं, हाइड्रो, और एक्वा भी बोलते हैं, पानी क्या, हाइड्रो, पहले उसकी लाइफ का है पानी के अंदर, ठीक है। अगला क्या होता है, साइबेरियन क्रेन, ये देखो एक, ये मैंने जो जो स्टार लगाए हैं वो आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साइबेरियन क्रेन क्या है, ये ग्रोस यूको गेरोनस, ठीक है, ग्रोस यूको गेरेनस, तो किसके नाम से जाना जाता है भैया, ये साइबेरियन क्रेन है, ये क्या भैया, ग्रोस, ये तो वैसे भी अलग है, ग्रेट तो है ही, ये क्रेन साइबेरियन क्रेन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे तो ये ऑलरेडी ग्रेट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं, इसको ध्यान रखते हैं, साइबेरिया में है और साथ में क्या है, ग्रेट है, तो जो लीको गेरानास है तो ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, टाइगर चीता, तो ये जानते हैं, ये इससे शुरुआत की थी, ये क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रेस, तो टी फोर टाइगर, ठीक है, टी फोर टाइगर, पैंथेरा लियो, एल फोर लॉयन, इस तरीके से ध्यान रखते हैं, पैंथेरा टाइग्रेस, ये पैंथेरा टाइग्रेस के नाम से किसको जाना जाता है, ये चीते को, ये होता है बाइटास, जंगली गधा, तो बाइटास के नाम से जो जंगली गधा होता है उसके नाम से किसे जाना जाता है, ये होता है इक्वस एफ्रिकेनस, ठीक है, एसिनस, इक्वस एफ्रिकेनस एसिनस, तो इसको क्या हो भैया, गधा होता है, कहा अफ्रीका गधा है, ये अफ्रीका की तरह गधा दिखता है, अफ्रीका वाले गधों की तरह गधा है, तो ये क्या है आपका, जंगली गधा। ध्यान रखेंगे वाइल्ड बोर के नाम से जो जंगली सुअर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोफा, तो स्क्रोफा क्या होता है भैया, जंगली गधा, जंगल में क्या, सॉरी जंगली सुअर, तो वाइल्ड बोर, तो जंगल में क्या है, ये सुअर जो पाया जाता है, ये स्क्रोफा क्या होता है, जंगली सुअर, क्लियर है। वॉल्फ, भेड़िया, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये क्या, कैनिस लुपस, कैनिस लुपस के नाम से किसको जाना जाता है भैया, भेड़िए को, तो ये भाई भेड़िया भी बहुत ज्यादा होता है, भेड़िया एक लीडर की तरह से काम करता है, तो ये ध्यान रखोगे। जेब्रा, जेब्रा क्या होता है, इक्वस कुग्गा, ठीक है, इक्वस कुग्गा के नाम से किसको जाना था, इक्वस, इक्वल होता है ना, सफेद काली धारी, इक्वल इक्वल पार्ट में होती है, ये इक्वल कुग्गा होता है, तो ये क्या होता है, जेब्रा, ठीक है, तो ध्यान रखोगे इक्वल कुग्गा के नाम से किसको जाना जाता है, जेब्रा को। तो आज हमारे ये सारे नाम थे, तो आप लोग ध्यान रखोगे, आज की क्लास हम इसी जगह समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ। तो चलिए, इन सब की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट विमर्श लर्निंग पर जाके मिल जाएगी, अगर वहाँ नहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट कर देना, वहाँ आपको दे दिया जाएगा लिंक, तो आप लोगों को सारी चीजें वहाँ मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में अगले स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ कल।